जहाँ तक मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि जब आप आंदोलन के दौर में थे तब आपने अखिलेश यादव की सरकार को भ्रष्टाचारी कहा था, तो क्या आपका स्टैंड अप बदल गया है? नहीं, मैं किसी को यहाँ सर्टिफिकेट देने के लिए, आपके प्रोग्राम में किसी को भी सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा। वो जांच एजेंसियों का काम है, वो करेंगे। सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं, केस बिल्कुल फर्जी है। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, पूरा का पूरा मामला फर्जी है, केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। जहां तक मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि जब आप आंदोलन के दौर में थे तब आपने अखिलेश यादव की सरकार को भ्रष्टाचारी कहा था, तो क्या आपका स्टैंड अप बदल गया है? नहीं, मैं किसी को यहाँ सर्टिफिकेट देने के लिए, आपके प्रोग्राम में किसी को भी सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा। वो जांच एजेंसियों का काम है, वो करेंगे। सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं, केस बिल्कुल फर्जी है। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, पूरा का पूरा मामला फर्जी है, केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। जहाँ तक मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि जब आप आंदोलन के दौर में थे तब आपने अखिलेश यादव की सरकार को भ्रष्टाचारी कहा था, तो क्या आपका स्टैंड अप बदल गया है? नहीं, मैं किसी को यहाँ सर्टिफिकेट देने के लिए, आपके प्रोग्राम में किसी को भी सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठा। वो जांच एजेंसियों का काम है, वो करेंगे। सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं, केस बिल्कुल फर्जी है। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं, पूरा का पूरा मामला फर्जी है, केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया।